बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस लेक्चर में हम क्लास सेकेंड ईयर के न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बकायदा स्टडी से पहले मैं आपको क्लास सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इंग्लिश का जो सिलेबस है, पेपर पैटर्न कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव कैसे होती है, और इसके अलावा हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, ये सारी बातें हम जो है ना इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यानी एक तरह का ये हमारा इंट्रो लेक्चर होगा क्लास सेकेंड ईयर के जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो इंग्लिश की बुक है वो टोटल जो है ये है आपके सामने जो है ये है मॉडर्न प्रोज की बुक, ठीक है। इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर हैं और इसके अलावा यहाँ पे इसके 3 जो है 6 हीरोज भी हैं, जिनमें से जो है ऑब्जेक्टिव भी आती है और सब्जेक्टिव भी आती है। ये देखें यहाँ पे द डाइंग सन, यहाँ पे ये जो है ये सारे मॉडर्न प्रोज इसके 10 चैप्टर आते हैं। 10 चैप्टर में से अब क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे ये है फर्स्ट चैप्टर द डाइंग सन, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ट्रांसलेशन मतलब दी हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने इसकी ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करनी, यानी ये ट्रांसलेशन जो होती है ये पेपर में नहीं आती। सिर्फ क्या आता है कि इसके क्वेश्चन आते होते हैं और सैनोनिम होते हैं, वो सेट बने होते हैं, वो जो आप हेल्पिंग बुक लेंगे उसके अंदर होते हैं। तो ये 10 चैप्टर आ गए, ठीक है। उसके बाद जो हीरो हैं, फर्स्ट रेट हैरो, सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये जो है फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, ये जो डायलॉग, ये तो आज का जो है मेन इशू है, यानी सोशल मीडिया पर ये है सारा टॉपिक के इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो टोटल ये 6 हीरो हो गए हैं और ये इसके 10 चैप्टर, जिसमें से आपने ट्रांसलेशन नहीं करनी होती। इसके पढ़ने का तरीका क्या होगा कि आपने जस्ट इसका जो बेसिक पॉइंट है, यानी जो इसका खुलासा है, सेंट्रल आइडिया है, आप वो स्टडी करेंगी, यानी स्टोरी का आपको पता चल जाएगा और वो आपकी बुक में दी होगी। और वैसे भी मैं आपको इंशाल्लाह वो पढ़ाऊँगी, बताऊँगी कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर क्या क्या बताया गया है, क्या डिस्कस किया गया है, तो उस तरह से आपको आसानी लगेगी। आप उसके क्वेश्चन करेंगे, एडिशनल में से जो इम्पोर्टेंट होंगे हम वो क्वेश्चन भी करेंगे और इसके अलावा सैनोनिम करेंगे। और इसी तरह ये 10 चैप्टर कवर हो जाएंगे, यानी इसमें से क्या चीज़ आएंगी, क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, दो 2-2 मार्क्स के होंगे और इसके अलावा सैनोनिम होंगे। इसके अलावा और फर्दर कोई भी चीज़ जो है ना एक्स्ट्रा हम इसमें से नहीं करेंगे। और नीचे जो है इसमें भी, वैसे तो ये देखें आगे जो है इनकी भी उन्होंने पूरी स्टोरी एज अ चैप्टर उन्होंने दी है, लेकिन हमने वो इसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी। हमने क्या करना है, जस्ट हमने क्वेश्चन, ये देखिए मुस्तफ़ा कमाल, ये भी हीरो है, तुर्की के हीरो हैं जिन्होंने तुर्की को दोबारा से आज़ाद करवाया, और मुस्लिम हीरो हैं, इनका भी जो है हमने सिर्फ क्वेश्चन करने और सैनोनिम करनी है। तो ये तो था बुक फर्स्ट, यानी मॉडर्न प्रोज और हीरोज। इसके अलावा जो एक नॉवल है मिस्टर चिप्स, प्रीवियस में तो प्रीवियस ईयर बताया गया था कि मिस्टर चिप्स जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, उसकी जगह पर जो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हम डालेंगे, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि सिलेबस को चेंज होते कई साल लग जाते हैं। तो ये देखें इसके टोटल 18 चैप्टर हैं मिस्टर चिप्स, ये एक शख्सियत यानी एक बायोग्राफी है मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी पर, उन्होंने इसे टोटल 8 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पेपर में से आपने जो है 12 क्वेश्चन मिस्टर चिप्स में से जो है वो देते हैं, टोटल 12 क्वेश्चन हमने करने हैं, तो 24 मार्क्स का पेपर इसमें से आता है सब्जेक्टिव पार्ट में। और इसके अलावा इसके हालात ज़िंदगी का अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो मिस्टर चिप्स जो है ये ब्रुफिल स्कूल जो मेन पार्ट है इनकी ज़िंदगी का, और मिस्टर चिप्स वहाँ पर पूरी लाइफ उन्होंने मैक्सिमम 65 ईयर तक वो एक टीचर की हैसियत से, एक मुअल्लिम की हैसियत से ब्रुफिल में पढ़ाते रहे। बहुत ही ऑनेस्ट थे, हार्ड वर्किंग थे, और यूँ कह लें कि डिवोट मतलब डिवोशन की जो फॉर्म है उनके अंदर बहुत ही
हेल्प करते थे पोर की, नीडी की, अपने स्टूडेंट्स की, और आफ्टर रिटायरमेंट भी जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है डिवोट कर दी थी टीचर लाइफ के लिए और ब्रूफील्ड के लिए। और इसके अलावा ये था कि ये बहुत ही अच्छे इंसान थे, और शादी इन्होंने की थी लेकिन एक साल ही रही थी, इनके आगे औलाद नहीं थी। तो लास्ट टाइम जब इनकी डेथ हुई इन्होंने यही कहा कि मेरे स्टूडेंट, किसी ने कहा कि बेचारे की डेथ वैसे ही होगी, लेकिन इन्होंने जवाब में ये कहा था कि मेरे स्टूडेंट, जितने हज़ारों स्टूडेंट हैं जिनको मैंने पढ़ाया, वही जो है मेरी औलाद है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा मतलब हाईलाइट इसके जो पॉइंट थे, बेसिक पॉइंट, वो मैंने आपको बता दिए हैं, और डिटेल के साथ इंशाल्लाह जो है हम इसकी स्टडी जब करेंगे तब पढ़ेंगे। तो एक तो ये आ गया, और इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं और साथ में सैलनिम होते हैं जो कि इसमें से दिए जाते हैं। तो टोटल अब आपको बुक का पता चल गया कि बुक्स में क्या है, एक मॉडर्न प्रोज, 10 चैप्टर उसके होते हैं, हीरोज हैं, ठीक है, और उसके अलावा एक नॉवल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, यानी अलविदा मिस्टर चिप्स। अब इसके अलावा जो आप जो चीज़ें आपके सिलेबस में इंक्लूड होती हैं वो ग्रामर में एक होती है, ये देखिए ग्रामर में ये देखिए कुरेक्शन। अच्छा कुरेक्शन क्या चीज़ होती है, ये आपके पेपर में जो 4 ऑप्शंस आते हैं उनमें से एक स्टेटमेंट वो लिख देते हैं, और ये 4 नंबर की आती है, एक स्टेटमेंट वो राइट कर देते हैं, और उसमें क्या करते हैं 4 ऑप्शन देते हैं, 4 में से किसी में से वो हेल्पिंग वर्ब रॉन्ग कर देते हैं, कहीं पर वो वर्ब की फॉर्म जो है करेक्ट नहीं पुट करते, कहीं पे जो है उनका सेंस नहीं बन रहा था। तो जो फिकरा वर्ब की फॉर्म के लिहाज से, हेल्पिंग वर्ब के लिहाज से, हर चीज़ से, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक होता है, हमने उसको करेक्ट करना होता है। तो ये आपके करेक्शन आपके 4 नंबर के पेपर में आते हैं, इसके रूल हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन तो आपको पता ही है क्या होती है, शो द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट की पोजिशन को, सीमत को, किसी भी चीज़ की हालत को नॉमिनेट करे, वो क्या कहलाती है, प्रेपोजिशन, ठीक है। ये आती है आपकी, और उसके बाद आते हैं इडियम्स, ठीक है। ये भी आपके सब्जेक्टिव पार्ट में आपने 5 जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद फ्रेज ऑफ वर्ब, अगर आप ये तो मेरे पास जो है सामने होती है सनशाइन, ब्राइट में जो है फ्रेज ऑफ वर्ब और इडियम्स जो है सेपरेट फॉर्म में नहीं है, वो इकट्ठे दिए गए हैं। तो मैंने आपसे जो मेन बात ये करनी है कि इस दफ़ा जब हम क्लास सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपने ब्राइट भी लेनी है और सनशाइन भी लेनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होती है वो सनशाइन की अच्छी होती है, और जो सब्जेक्टिव थिंग यानी ऐसे हो गए, ईडियम हो गए, पैराग्राफ हो गए, करेक्शन हो गए, ये सारी चीज़ें हम ब्राइट से करेंगे। और फर्दर जो क्वेश्चन है, मॉडर्न प्रोज हो गया, मिस्टर चिप्स हो गया, हीरोज हो गए, और इनकी जो ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा पेपर में सनशाइन से दी जाती है। तो इस साल आपने दोनों बुक्स कंपलसरी देनी है, ब्राइट भी और सनशाइन भी, और ये लाजमी लेनी है, ठीक है ना। और ये फ्रेज ऑफ वर्ब यानी ये ब्राइट में जब आप लेंगे तो ये इकट्ठे होंगे, ये हमारे जो है सिलेबस में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है एक्सरसाइजेस फॉर ट्रांसलेशन। ये क्या होती है कि इंग्लिश जो उर्दू को दे देते हैं एक पैराग्राफ कहीं से भी उठा के, 15 नंबर का होता है ये, और उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो पैराग्राफ कुछ हम ब्राइट से करेंगे और कुछ जो है सनशाइन से करेंगे। और इसके बाद आ जाते हैं हम एसे की तरफ, टॉपिक्स। अब ये क्या होता है, 15 नंबर का एसे आता है और करंट इशू पे आता है मोस्टली। यहाँ पे तो काफ़ी सारे दिए गए हैं लेकिन हम इनमें से सिलेक्टिव करेंगे, यानी जो अच्छे आज के टॉपिक यानी जिनके आने का अमकान है। यहाँ पे टोटल 50 दिए गए हैं लेकिन मैक्सिमम 12 और 15 इनके लगभग हम जो है ऐसे करेंगे। और ये भी ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक आउटस्टैंडिंग। इसका जो अच्छा बेहतरीन जो होता है लिखने का टॉपिक या ऐसे राइट करने का, वो ब्राइट में मेथड है कि उन्होंने क्या किया है, अगर आप स्टैंडर्ड भी कर लेते हैं उसके अंदर कोटेशन डाल देते हैं, ब्राइट के अंदर कोटेशन के साथ है, वर्डिंग भी अच्छी है, तो वो ये जो चीज़ है ये भी हम ब्राइट से ही करेंगे। लेकिन अगर सनशाइन से ये कर लेते हैं, इसके अंदर ब्राइट वाली जो ऐसे हैं उनकी कोटेशन डाल देते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। 15 नंबर का आपका ऐसे आ जाएगा। और
क्वेश्चन प्रपोजिशन एडियम फिर द वर्ब्स, उसके बाद जो है एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसलेशन और ऐसे ये चीज़ें हैं जो आपकी जो सिलेबस में सेकेंड ईयर के सिलेबस में इंक्लूड है। अब सिलेबस के बारे में तो आपको ब्रीफली मैंने बता ही दिया है, जब हम पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा मतलब आपको इससे इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पेपर पैटर्न के हवाले से बता देती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ पेपर पैटर्न का मेथड और पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, कहाँ से कौन सा सवाल आता है, कितने मार्क्स आता है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है ये है ऑब्जेक्टिव, क्लास सेकेंड ईयर की ऑब्जेक्टिव जो है इंग्लिश की। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल द राइट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स फॉर बुक वन मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ना जिसके अंदर तीन एमसीक्यूज होंगे, वो तीन सिनोनिम उठा के देंगे बुक फर्स्ट मॉडर्न प्रोज में से और हीरोज में, यानी मिक्स होगा तीन नंबर के उसमें से आएंगे सिनोनिम, ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है यहाँ से भी जो है सिनोनिम में से और हीरोज में से, हीरो में से ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं ये तीन जो ऑप्शन, यानी छः नंबर का पेपर आपका बुक फर्स्ट में से आता है जो 10 चैप्टर पर मॉडर्न प्रोज है और 6 आपके जो है हीरोज हैं, ये 6 नंबर उसमें से है 6 मार्क्स का पेपर। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन होता है ऑप्शन सी में, फिल द राइट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द नोबल गुड बाय मिस्टर चिप्स, यहाँ पे देखें ये जो ऑप्शंस हैं यानी फोर ऑप्शन आपके मिस्टर चिप्स जो नॉवल में, मैंने आपको बताया है कि मिस्टर चिप्स की शख्सियत पर एक पूरा नॉवल एक बायोग्राफी है, ये उनमें से दिए जाते हैं। और सिनोनिम भी आते हैं, एमसीक्यूज नहीं होते सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो एमसीक्यूज भी देना, इसमें जस्ट सिनोनिम हो गए। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, पाँच नंबर की आपकी प्रपोजिशन आएगी और ये जो प्रपोजिशन है ये हम करेंगे ब्राइट में से, उसकी एक्सरसाइज यानी जो प्रीवियस पेपर्स में आज के, इसके अलावा मैं आपको इसके रूल भी करवाऊंगी ताकि अगर आप रूल जब कर लेंगे तो आपका एक्सरसाइज आपको खुद बहुत पता चल जाएगा कि इसके साथ हमने कौन सी प्रपोजिशन पुट करनी है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फोर ऑप्शन ए बी सी एंड डी आर गिवन एट एंड ऑफ एवरी सेंटेंसेस, ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट एंड फिल द करेक्ट वन, ये है आपकी करेक्शन, ठीक है। करेक्शन के भी मैंने आपको जो है पहले भी बताया किसके हैं, वर्ब वर्ब की फॉर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन के साथ कौन कौन सी, यानी सारा बेसिकली टेंस का स्ट्रक्चर है जो ग्रामेटिकली जो थीम है वो आपका क्लियर होगा, तो आपके ये जो चार मार्क्स हैं ये फ्री के हैं, एक तरह के सॉरी 5 मार्क्स, यानी ये 5 आते हैं और ये भी हम ब्राइट में से ही करेंगे। इसके भी मैं आपको जो है बेसिक रूल करवाऊंगी, फिर आपको पता चलेगा कि करेक्शन। तो देखें टोटल आपका जो 20 मार्क्स का होता है पेपर वो आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में से आते हैं, फर्स्ट 6 मार्क्स जो होते हैं वो मॉडर्न प्रोज बुक फर्स्ट में से और हीरो में से होते हैं, उसके बाद जो 4 ऑप्शन होते हैं वो मिस्टर चिप्स में से आते हैं, 5 मार्क्स प्रपोजिशन के होते हैं ग्रामेटिकली और 4 मार्क्स किसके होते हैं ये होते हैं सॉरी 5 मार्क्स ये जो 5 ऑप्शन लास्ट होते हैं ये करेक्शन में से होते हैं। अब मैं आपको इसके सब्जेक्ट के पैटर्न के बारे में बताती हूँ। ये है इनका सब्जेक्टिव पार्ट, यानी ये टोटल 80 मार्क्स का होता है, ये देखें 80 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 100 मार्क्स के टोटल होते हैं, 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव निकाल दें तो पीछे बचता है 80 मार्क्स। अब ये जो यहाँ पे जो 9 क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके राइट आंसर्स ऑफ एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम बुक वन मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज, यानी ये बुक फर्स्ट में से और हीरोज में से जो है हम 9 क्वेश्चन दिए हैं, हमने इसमें से 6 अटेम्प्ट करनी है और ये टोटल 12 मार्क्स का इधर से पेपर आ जाता है। उसका जो सेकेंड होता है राइट शॉर्ट आंसर्स 26 क्वेश्चन फ्रॉम बुक मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज, तो यहाँ से भी आपने जो है कितने क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करने हैं, फर्स्ट दोनों में से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यानी 24 मार्क्स का पेपर जो आपके मॉडर्न प्रोज में से और हीरोज में से आता है,
उसके बाद जो है यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी तीसरा जो शोर क्वेश्चन होते हैं वो है मिस्टर चीक्स के, यानी नॉवल में से, जिनमें से हमने जो है 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल 12 होते हैं, यानी 4 के ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब ज़्यादा आते हैं तो आप 1-2 एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आपको ये यकीन हो, फुल कॉन्फिडेंस हो कि इसके अंदर हमारी मिस्टेक नहीं है किसी भी लिहाज से, और जिस ज़माने में जिस टेंथ में क्वेश्चन होगा उसी टेंथ में आपने उसका आंसर देना है, ठीक है। तो और अगर जब आपने सबसे पहले वही अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता है, और उसके बाद एक्स्ट्रा में भी 1-2 कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसे, यानी 4 ऐसे देते हैं जिनमें से, और ये 15 मार्क्स का होता है, जिनमें से आपने 1 अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे करप्शन है, अप्लायर ऑफ कॉलेज लाइफ, स्ट्रगल प्लस, साइंस एंड सोसाइटी, इनमें से जो आपको अच्छे से आता है वो आपने राइट करना है। 15 मार्क्स का होता है मैक्सिमम, कम से कम 2 शीट्स फिल होनी चाहिए, ठीक है, यानी 8 वर्ग तो आपका ऐसे अच्छा होगा, जिनमें से आप मेरे मुताबिक आप 9 मार्क्स गेन कर सकती हैं, बाकी बोर्ड वालों को नहीं पता। यूज एनी 5 ऑफ फॉलोइंग idioms एंड फिल द वर्ब्स इन सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद ये idioms आ जाते हैं, इनको हमें जिस तरह प्रीवियस फर्स्ट ईयर में आपने प्योर वर्ड्स किए हैं उसी टाइप के, लेकिन ये प्योर वर्ड्स यानी उस तरह आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं, इनकी उर्दू मीनिंग आपको आने चाहिए। और ये 2 मार्क्स का होता है 1, ठीक है, ये मैं सामने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और बाकी 3 की ऑप्शन होती है। उसके बाद सबसे लास्ट जो होता है क्वेश्चन, ये 15 नंबर का होती है, पैराग्राफ एक देते हैं जिनको हमने इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है, और ये मोस्टली आउट ऑफ कोर्स में रहता है या फिर कहीं से भी उठा के दे देते हैं, लेकिन सनशाइन में इतने सारे पैराग्राफ हैं कि उन्हीं में से आज तक पेपर में जितने भी पैराग्राफ आए हैं वो सिलेबस में से ही दिए गए हैं। तो 15 नंबर का आपका ये होता है। तो इसके लिए आपको टेंसेस पर जो है कमांड होनी चाहिए, अगर आपके टेंसेस पर आपको फुल कमांड है तो आप खुद से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, यानी आपको मुश्किल नहीं। अगर मैं आपको टेंसेस भी इंशाल्लाह अच्छे से कराऊंगी। उसके बाद लास्ट ये इनके दरमियान आपको और नज़र आ रहा है, ठीक है। अब नीचे है फॉरेन कैंडिडेट और इंग्लिश मीडियम के लिए, कि अगर आप इंग्लिश मीडियम है या फॉरेन कैंडिडेट है तो आपने ये पैराग्राफ नहीं करना, बल्कि उसकी जगह पे क्या करना है, ब्यूटीज ऑफ नेचर, यानी ये टॉपिक है, पैराग्राफ है, आप ये राइट करेंगे। लिहाजा ये आप पेंडिंग करते हैं कि आप जो है फॉरेन कैंडिडेट हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं या उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं, तो फिर आप ये पैराग्राफ करेंगी। अगर आप इनमें से नहीं है, अगर हैं तो ये आप छोड़ देंगी, बल्कि ब्यूटी ऑफ नेचर यानी जो पैराग्राफ दिया है वो। तो पेपर जो है आपके टेम्पटेशन अच्छी होनी चाहिए, और उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए, रिमूवर यूज़ नहीं होना चाहिए, राइटिंग साफ होनी चाहिए, और क्वेश्चन जो है तरतीब से हमेशा पेपर पैटर्न जो है अटेम्प्ट होना चाहिए तरतीब के साथ। जो क्वेश्चन ये फर्स्ट है, ये नहीं कि इसको छोड़ के इसको आपको कर दें, इसको छोड़ के इसको पहले ऐसे कर लें बाद में ये, नहीं, तरतीब आपकी ऐसे होनी चाहिए जो पेपर की है, तो ही आप 90+ मार्क्स ले सकती हैं। और ज़रूरी नहीं कि जितना पूछा गया सवाल उतना ही, यानी यहाँ पर अगर 6 है ऑप्शन आपने 6 ही गाइड करनी है, और हदीस होगी टच नहीं करना किसी को, अगर एक्स्ट्रा आता है तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पेपर पैटर्न का सारा तरीका भी बता दिया, ठीक है, आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं वो भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो इस लेक्चर में तो हमारा जस्ट सिलेबस और पेपर पैटर्न के हवाले से इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकायदा अपनी स्टडी का आगाज़ करेंगे, ठीक है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम जो है फर्स्ट चैप्टर द डाइंग सन हम जो है इसका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, खुदा हाफिज़।